हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सिलेक्ट यू। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्किन फेयरनेस के ऊपर। अपनी स्किन को फेयर और ब्राइटर करने के लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, लोशंस, फेस वैक्स एंड बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी स्किन को हार्म भी करती हैं, साथ साथ हमारे पॉकेट के लिए भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो दोस्तों, हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारी स्किन को फेयर करने में, हमारी स्किन को हेल्दी करने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में। उसमें से एक चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। ऐसी ही मैं और वीडियोस लेके आऊँगी जिससे हम अपने किचन की चीज़ों से यूज़ करके अपने स्किन को फेयर और हेल्दी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं दही के बारे में। दही यानी कि कर्ड। जनरली हम सबको पता होता है कि कर्ड यूज करने से हमारे फेस के लिए काफी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हम कर्ड नॉर्मल जैसा अवेलेबल होता है उसी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्किन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव कर्ड होता है जो कर्ड थोड़ा सा खट्टा होता है। खट्टा दही हमारे स्किन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा भर भर के होती है। तो चलिए देखते हैं कि दही को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते। सबसे पहला, अगर हम ज़्यादा झंझट या ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो हम खट्टे दही को वीक में दो से तीन बार अपने फेस के ऊपर एज ए मास्क सिर्फ दही को अप्लाई कर सकते हैं। इस मास्क को आपको 20 से 25 मिनट तक अपने फेस के ऊपर रखना है और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ये काफ़ी ईजीएस्ट फेस पैक है और इसको आप वीक में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दो से तीन बार अपने फेस पे इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए। इस तरह करने से आपकी स्किन लाइटर होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रोसीजर को अगर आप दो से तीन महीने लगातार करते हैं तो आपकी स्किन में एक नोटिसेबल चेंज आएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी तरीका जिससे हम दही को अपनी स्किन केयर रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो सेकंड है, हम दही को क्लींजिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लींजर के रूप में हम दही को कैसे इस्तेमाल। एज ए क्लींजर दही काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसको जनरली आपको थोड़ा सा अपने हाथों में लेना है और पूरे फेस के ऊपर मसाज करना है राउंड राउंड और बिल्कुल लाइट स्ट्रोक के साथ। जैसे कि आप अपने किसी भी केमिकल प्लेस क्लींजर को यूज़ करते हैं वैसे ही आप दही को एज ए क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड ये है कि दही से बहुत ज़्यादा फेस पैक्स बनाए जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे फेस पैक्स के अंदर हम दही को एज ए इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बेसन दही का फेस पैक बना सकते हैं, कॉफ़ी दही का फेस पैक बना सकते हैं, टर्मरिक दही का फेस पैक बना सकते हैं, आटा दही का फेस पैक बना सकते हैं, दही एंड हनी का फेस पैक बना सकते हैं। जो भी आपकी स्किन को सूट करे उसके अकॉर्डिंग आप फेस पैक बना सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखें फेस पैक इस्तेमाल करते टाइम कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप टोन मिल्क का दही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करें। और अगर आप टोन मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप उस पैक के अंदर थोड़ा सा हनी या ग्लिसरीन ऐड करना ना भूलें। इससे आपकी स्किन में और अधिक ड्राइनेस नहीं आएगी और साथ ही साथ जो ऑयली स्किन वाले हैं अगर वो फुल क्रीम मिल्क का दही इस्तेमाल करते हैं अपने फेस पैक या किसी भी दही की क्लींजिंग पैक के लिए तो आपका फेस और ज़्यादा ऑयली हो जाता है। हल्दी हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, इससे हमारे स्किन टोन इवन होती है, साथ ही साथ जो हमारे स्किन का जो नेचुरल ग्लो है जो कहीं खो जाता है पोल्यूशन और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट की वजह से वो वापस मिल जाता है हमें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर दही बेसन, दही हनी और दही कॉफ़ी का फेस पैक बना के दिखाया है। अगर आप वो फेस पैक ट्राई करना चाहते हैं तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ जाके उसको चेक ज़रूर कीजिए। बाकी दो फेस पैक्स मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा फेस पैक है वो आटा और दही का है। 2 स्पून ऑफ व्हीट फ्लोर ले लीजिए, उसमें दही मिक्स कर लीजिए, अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए और ड्राई होने के बाद वॉश कर लीजिए। इससे जो आपकी स्किन का ग्लो है बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस फेस पैक को चाहें तो रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको पूरी तरह ड्राई ना होने दीजिए, जब ये हल्का सा ड्राई होने लगे इसको वॉश कर लीजिए।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।